गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों, ये आपकी बुक आकृति हिंदी पाठ माला इसी से आज हम आपका चैप्टर 3 पढ़ेंगे। 1 और 2 हो गया है, बीच में कुछ दिनों की आप लोगों की छुट्टियां हो गई थी, तो फिर आज से आप लोगों का शुरू हो रहा है, ठीक है ना, नया चैप्टर चैप्टर 3। तो आप लोग अपने अपनी बुक निकालिए और चैप्टर का नाम है आपके अध्याय पार्ट 3 अध्याय 3 सात पूछ का चूहा। कौन सी चैप्टर? सात पूछ का चूहा। तो शुरू करते हैं, आपका 1 और 2 हो गया है, आप लोगों ने इसको लिख भी लिया होगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सात पूछ का चूहा। बहुत अच्छी कहानी है, ये सीख मिलती है इससे कुछ, ठीक है। तो आप लोग भी बुक निकालिए और मेरे साथ साथ इस कहानी को पढ़िए, समझिए, ठीक है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें पढ़ने से सीख मिलेगी कि हमें दूसरों की बातों में आके अपने में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, हम जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं पढ़ना, चैप्टर है सात पूछ का चूहा 3, ठीक है। चलिए आप लोग मेरे साथ साथ देखिए क्या है, इससे क्या सीख मिल रही है। इस कहानी में ये है कि हमें दूसरों की बातों में आकर अपने में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, वैसे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये एक था चूहा, उस चूहे की 7 पूछें थीं। बच्चों, चूहा था और उसके चूहे की जानते हो कितनी पूछें थी? 7। सब उसे चिढ़ाते, 7 पूछ का चूहा, 7 पूछ का चूहा। और लोग उसे क्या चिढ़ाते थे? 7 पूछ का चूहा, 7 पूछ का चूहा। तंग आकर चूहा गया नाई के पास, पास गया और उसने नाई से कहा कि ए नाई, मेरी एक पूछ काट दो। चूहा जब नाई के पास, जब लोग सब लोग उसको चिढ़ाने लगे, 7 पूछ का चूहा, 7 पूछ का चूहा, तो चूहा गया नाई के पास और उसने क्या कहा? तंग आकर कि ए नाई, मेरी एक पूछ काट दो। नाई ने एक पूछ काट दी और नाई ने क्या किया? चूहे के कहने पर उसकी एक पूछ काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 6 पूछें। जब एक पूछ कट गई चूहे की, तो चूहे के पास 7 में से 6 पूछ बची। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, सब उसे चिढ़ाने लगे, 6 पूछ का चूहा, 6 पूछ का चूहा। उसके दोस्त अभी भी नहीं मान रहे थे और उसे क्या चिढ़ा रहे थे? 7 से 6 पूछ हो गई, 6 पूछ का चूहा, 6 पूछ का चूहा। चूहा फिर से तंग आ गया और वह गया नाई के पास। चूहा फिर तंग आ गया चिढ़ाने पर लोगों के, तो वो फिर गया नाई के पास और क्या बोला? उसने कहा, ए नाई, मेरी एक पूछ और काट दो। ठीक है, यही बोला और नाई ने एक पूछ और काट दी चूहे की। ठीक, अब उसके पास कितनी पूछे बची? 5 पूछें। 7 थी लोगों के चढ़ाने, उसने एक पूछ काट दी, बची 6। फिर लोग नहीं माने उसके चढ़ाने लगे, तो बची 5। पर अगले दिन सब उसे फिर इसी प्रकार चढ़ाने लगे, 5 पूछ का चूहा, 5 पूछ का चूहा। चूहा फिर गया नाई के पास, नाई के पास, और नाई, ए नाई, मेरी एक पूछ और काट दो। नाई ने पूछ और काट दी, तब उसके पास कितनी बची? अब उसके पास बची सिर्फ 4 पूछें। लोग चढ़ाते गए और वो चाहता गया नाई के पास और एक एक पूछ कटाता गया, ठीक, पर सब उसे फिर भी चढ़ाना बंद नहीं किए, वैसे ही चढ़ाने लगे, 4 पूछ का चूहा, 4 पूछ का चूहा। चूहा फिर गया नाई के पास, नाई ने एक पूछ और काट दी, अब उसके पास बची सिर्फ 3 पूछें, पर सब उसे चिढ़ाते, 3 पूछ का चूहा, 3 पूछ का चूहा। लेकिन फिर भी लोग उन्हें चढ़ाना बंद नहीं किए उसे और क्या चढ़ाने लगे? 3 पूछ का चूहा, 3 पूछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास, नाई ने एक पूछ और काट दी, अब उसके पास बची सिर्फ 2 पूछें। लोग चढ़ाते गए और वो नाई के पास जाता गया और पूछे कटवाता गया, ठीक है, पर सब उसे फिर भी चढ़ाते, 2 पूछ का चूहा, 2 पूछ का चूहा। लेकिन चढ़ाना तो लोगों ने बंद नहीं किया, नाई के पास फिर चूहा गया, नाई ने पूछ और काट दी, अब उसके पास बची सिर्फ 1 पूछ। कितनी बची? 1 पूछ।
पर सब उससे चिढ़ाते रहे, लेकिन लोगों ने उसको चिढ़ाना बंद नहीं किया। क्या चिढ़ाने लगे? एक पूंछ का चूहा, एक पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास, नाई ने आखिरी पूंछ भी काट दी। अब उसके पास तो कोई भी पूंछ नहीं बची, लोगों को चढ़ाने पे वो पूंछ कटवाता गया। फिर लेकिन फिर भी तो लोगों ने चढ़ाना बंद नहीं किया, और क्या चढ़ाने लगे? बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। बच्चों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम दूसरों के कहने पर अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाना चाहिए। हम जैसे भी हैं वैसे बहुत अच्छे हैं, ठीक है? दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं, ठीक है? अब एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। एक था चूहा, उस चूहे की सात पूछे थी, सब उसे चिढ़ाते। सात पूछ का चूहा, सात पूछ का चूहा। तंग आकर चूहा गया नाई के पास। उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूछ काट दो। नाई ने एक पूछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ छह पूछे। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, सब उसे चिढ़ाने लगे। छह पूंछ का चूहा, छह पूंछ का चूहा। चूहा फिर से तंग आ गया और वह गया नाई के पास। उसने कहा, ए नाई, क्या कहा? ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब चूहे के पास बची सिर्फ सात पूंछे। पर अगले दिन सब उसे फिर चिढ़ाने लगे। पांच पूंछ का चूहा, पांच पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ चार पूंछे। पर सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे। चार पूंछ का चूहा, चार पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ तीन पूंछे। पर सब उसे चिढ़ाते। तीन पूंछ का चूहा, तीन पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ दो ही पूंछ। पर सब उसे चिढ़ाते। दो पूंछ का चूहा, दो पूंछ का चूहा। तो चूहा नाई के पास गया। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब वह एक पूंछ का चूहा हो गया। पर सब उसे चिढ़ाते। एक पूंछ का चूहा, एक पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने आखिरी पूंछ भी काट दी। अब पूंछ ही नहीं बची, लेकिन फिर भी सब चूहे को चढ़ाते। बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे हो गया खत्म। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? तो लिखेंगे पार्ट तीन, सात पूंछ का चूहा। पहले लिखेंगे वर्ड मीनिंग, शब्द और अर्थ। चिढ़ाना का अर्थ होता है परेशान करना। चिढ़ाना का अर्थ होता है परेशान करना। सिर्फ का अर्थ होता है केवल। इसको आपको हिंदी फर्स्ट की कॉपी में लिखना है। नाई, बाल काटने वाला। नाई का अर्थ होता है बाल काटने वाला। काटना का अर्थ होता है किसी चीज को अलग करना, ठीक है? तो ये शब्द अर्थ हो गया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चूहा क्यों परेशान था? चूहा क्यों परेशान था? तो क्यों परेशान था? सभी चूहे मिलकर उसे चिढ़ाते थे, इस कारण चूहा बहुत परेशान था। सब चूहे मिलकर उसको चिढ़ाते, इसलिए चूहा बहुत परेशान था। तंग आकर चूहे ने क्या किया? तो तंग आकर चूहे ने नाई के पास आकर अपनी एक पूंछ कटवा दी। जो अभी क्वेश्चन आंसर लिखी है उसको बोल बोल कर आपको करना है। जब बोल बोल कर लिखेंगे तो आपको आंसर याद होते जाएगा। फिर है, चूहे ने कितनी पूछे कटवा दी? तो चूहे ने अपनी सातों पूछे ही कटवा दिया। क्या अंत में सबने चूहे को चढ़ाना बंद कर दिया? तो नहीं बंद किया था। तो अंत में सबने चूहों को चढ़ाना बंद नहीं किया। अंत में चूहे के पास कितनी पूछे बची थी? तो अंत में चूहे के पास एक भी पूछ नहीं बची। तो ये आपका क्वेश्चन सर हो गया। वर्ड मीनिंग ये क्वेश्चन सर हो गया। देख लीजिए क्या करना है। बोल बोल कर आप लोगों को कायदे से इस क्वेश्चन सर को करना है, ठीक है?
तो इस क्वेश्चन आंसर को कर लीजिए, गा बोल बोल कर याद हो जाएगा साथ में, अगर बोल बोल कर करेंगे तो साथ में आपको याद होता जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें बुक में आ जाइए, पेज नंबर 34। सही उत्तर पर सही का टिक लगा। एक था कौन था, एक था चूहा, तो चूहे पे टिक है। फिर सब चूहों को क्या करते थे, पढ़ाते थे, डराते थे, हंसाते थे कि चिढ़ाते थे, चिढ़ाते थे, तो चिढ़ाने पे टिक है। चूहे ने पूंछ किससे कटवाई, किसान, नाई, अध्यापक, दूध वाले, तो नाई से। ठीक, अब है रिक्त स्थान भरो। चूहे की कितने पूछे थी, सात पूछे थी, नाई ने एक पूंछ काट दी, यहाँ क्या है, पूंछ है, ठीक है, एक पूंछ काट दी। ठीक, फिर है चूहा फिर से तंग आ गया, मेरी एक पूंछ और काट दो, ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, रिक्त स्थान। अब है सही गलत का निशान लिखना है, तो चूहे की पूछे पांच पूछे थी, तो गलत यहां हो जाएगा, गलत, या हम साफ साफ लिख दे रहे हैं गलत। फिर है चूहा सात पूछ से खुश था, गलत, सब उसे चिढ़ाते थे। फिर है सभी चूहे को चढ़ाना बंद कर दिया, गलत, और यहां पे चूहे ने सारी पूछे कटवा दी, सही, ठीक है। ये समझ में नहीं आ रहा था तो हम इरेज कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, तो क्या है, ये गलत, ठीक है, और ये सही। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज, देख लीजिए, इसको आपको बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना एक्सरसाइज, क्या करना है, बुक में ही करना है, ये भी बुक में करना है, देखिए, और ये भी बुक में करना है। ठीक है, तो चूहे के पांच पूछे थी, गलत, सात पूछ से चूहा खुश था, गलत, लोग उसको चिढ़ाते थे इसलिए वो खुश नहीं था। फिर सभी ने चूहे की को चिढ़ाना बंद कर दिया, गलत, और चूहे ने सारी पूछे कटवा दी, तो सही। तो आपका सही गलत भी हो गया, आपका क्वेश्चन आंसर भी हो गया, वर्ड मीनिंग सब हो गया, तो कंप्लीट हो गया ये आपका चैप्टर तीन, अध्याय तीन आपका कंप्लीट हो गया। बच्चों आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर को कॉपी में लिखना है और इसको आपको बुक में एक्सरसाइज पूरा करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, धन्यवाद।